थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाहर से आए हुए लोगों को 14 दिनों के लिए घरों में रहने का जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न स्थानों पर जाकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन ने संबंधित अधिकारियों के साथ क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से बात की और उनसे अपील की कि वह घरों में रहकर अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, अन्यथा जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए विवश होगा। कहाँ बुला लें, क्यों है और बाहर क्यों फाड़ दिए, क्या हो गया है? सर हम नहीं फाड़े। फिर क्या बाहर हो तो कोई हो, क्या हो रहा सर? नहीं है तो फिर अब आइए, नहीं तो क्वारंटाइन यूनिट जेल में भी हमारा नहीं, सर, हम बढ़िया से हम उनसे कर लेंगे। सरकारी कर्मचारी तो बदमाशी करते हैं ना, तो फिर क्यों कर रहे हैं, क्यों फाड़ दिए? हमने नहीं फाड़ा, हम तो घर में रहते हैं सर। फिर कौन फाड़ रहा है? तो कुछ हुआ ही, हम तो घर में दिन भर आते, 22 तारीख से जब से मास्क लगाओ, पहले 22 तारीख से आए तब से जो है हम तो घर में ही है सर। मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क दे दीजिए, मास्क में काम कर रहे थे सर, ऑफिस फ्लोर से फोन कर रहा हूं। ये आया तब तक आप चले गए, ये कैमरा आप लोग क्यों ऑन कराए हैं? एक दूसरे से भी डिस्टेंस लगा के रखो, एक दूसरे का झूठा मत खाइए, एक थाली में मत खाइए। कहाँ से आए थे? लखनऊ से। क्या काम करते हैं? फरीदाबाद वाला कौन है? फरीदाबाद से आए बेटा, कैसे? सार्वजनिक कार से आए। तोड़ लीजिए, एक दूसरे के दूरी बनाए रही है। प्रदीप आप ही है? प्रदीप आप ही है? हाँ। क्या काम करते हो? क्या चीज? मार्केटिंग का। तो क्यों शिकायत आ रही है, बाहर ही घूम रहे हो आप? क्या परेशानी? 11 तारीख तक खुद ही अलग रही है और बाकी घर वालों से भी अलग रही है, ठीक है? डीएम साहब ये कमरा में अलग रहते हैं। आपकी शिकायत इतनी पहुंची कि डीएम को खुद आना पड़ा, सैनिटाइजर है और फेस मास्क अगली बार लगा हुआ पाएंगे, नहीं तो उठा के जेल भेजेंगे, तो जेल में रहना होगा। नहीं, बार कोई आएगा नहीं आपको, सीधे हम जेल पर दो ही नहीं आएंगे तो करेंगे, तो फिर हम इन्हीं को उठा के तो इनको फाड़ेंगे। सिटी वन से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया, होम क्वारंटाइन रहने के लिए इन लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, बट एक दो लोग मानते भी नहीं है, इसलिए तो हमें और कप्तान साहब का निकलना पड़ा। इन लोगों को तो चेतावनी दी है, यदि तो फिर होम क्वारंटाइन के समय में वो बाहर निकलते तो फिर यहाँ की जगह फिर हम जेल में भी एक अलग यूनिट बना रखा है, वहीं क्वारंटाइन करेंगे। अब सभी से ये अपील कर रहे हैं ताकि ये इन्हीं का केवल भला नहीं है, इनको परिवार के भला के लिए और समूह के भला के लिए इनको तो कराना ही पड़ेगा, और बाकी जो गली गली मोहल्ले में कोई बाहर से व्यक्ति आया है उनको पहचान रहे हैं, हमारा टीम देख रहे हैं, पूरा मेडिकल टीम 163 टीम तो शहर के अंदर बनी हुई है, हर घर पहुंच रहे हैं, हर घर पहुंच करके जो बाहर से आने वाले व्यक्ति क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर नाप रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। अब तक ये कोई पॉजिटिव केस निकला नहीं है और उम्मीद है आगे भी जो कोई होता है तो हम लोग ढंग से हैंडल करेंगे।